हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे आलू गोभी की मसाले वाली सब्ज़ी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप सभी लोग इसको आसानी से घर में झटपट बना सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आलू बैंगन की मसाले वाली सब्ज़ी। मैंने मसाला लिया है, एक वेसल में मैंने ऑयल गरम कर लिया था, और ये आलू गोभी है जो मैंने अच्छे से काट ली हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में। आलू भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं, और ये मैंने प्याज ली है जो कि मैंने बारीक काट ली है। एक वेसल में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला था 2 टेबल स्पून उसको। इसके बाद मैंने इसमें ऑनियन जो है मैंने कट करके रखी थी स्लाइस, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब जो मैं अपना मसाला है जो कि मैंने पेस्ट बना के रखा था, जिसमें मैंने ऑनियन ली है, जिंजर लिया है 1 टीस्पून, गार्लिक लिया है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, इन सब का जो मैंने पेस्ट बना लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसको मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि जो हमारे मसाले हैं उसमें से जो अदरक लहसुन और प्याज की स्मेल है वो ना, इसको हमें कम से कम 10 से 12 मिनट तक की मैंने लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको भून लिया था। आप सभी लोग भी इसको भूलना ना भूलें। और इसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट डाला था 1 टीस्पून, सॉल्ट को भी मैंने डाल के इसको अच्छे से पका लिया था। उसके बाद मैंने टमाटो लिया जो कि 1 टमाटो था जो मैं स्लाइस कट कर लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। टमाटो डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। और उसके बाद मैंने इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक के लिए अच्छे से पकाया। और ये देखिए हमारा जो तेल है वो ऊपर आ गया, सेपरेट होने लगा है मसालों से। तो जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें जो गोभी और जो हमने आलू था जो कि मैंने धो के काट के रखा था उसको मैंने ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया। और मैंने इसको अच्छे से 8 से 10 मिनट तक के लिए भूना लो मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसमें वाटर डाल देंगे। वाटर मैंने डाला था 1 कप वाटर डालना है। और इसको वाटर डालने के बाद इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना है ताकि जो हमारी सब्ज़ी है वो अच्छे से गल जाए। ये देखिए मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया। मैं इसको कम से कम 8 से 10 मिनट तक के लिए छोड़ दूँगी। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी है ताकि वो गल जाए, लो मीडियम फ्लेम पे मैंने छोड़ दिया था। ये देखिए हमारी सब्ज़ी जो है वो ऑलमोस्ट गल चुकी है। मैंने इसमें कोरिएंडर लीव थी जो मैंने कट करके और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था, पिंच ऑफ गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार है। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।